तो जाम खाते तो ये वाला दांत को उपयोग करते। इसी तरह से कीड़ा जो है, कीड़ा का जो मुखांग रहता है, मुखांग के आधार पर ही कीड़े का उसका मतलब कीड़े की जो मॉर्फोलॉजी रहती है, कीड़े का जो मुखांग रहेगा उसी आधार पे वो अपना भोजन करेगा। तो भोजन क्या करेगा, वो पत्तियां खाएगा, गेहूं को खा लेगा या फिर किसी पौधे की जड़ों को खजाएगा। इस तरह से वो कीड़े अपने मुखांग के आधार पे, मतलब वो इसी तरह से मुखांग कैसा रहेगा उसका, काटने को करने वाला है क्या चूसने वाला, तो इस तरह से मुखांग के आधार पे कीड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। बहुत सारे प्रकार से किया गया है, लेकिन आपको मुखांग बस ध्यान रखना है कि हमको जो है कौन सी दवाई कहां में देना है। अब जैसे मक्के में बहुत सारी अपन देखे होंगे तनाछेदक वो आता है ना, फल आदमी वर्ग, तो वो क्या करता है, पत्तियां खाता है ना, कतर कतर के खाता है, वहीं पे उसका बीज गिरा देता है और वहीं पे कोई में दली रहती है। तो मुखांग जो है मेन रहता है किसी भी कीड़े का। भाई अपन ही जो है, मान लीजिए हम लोग जो मान लीजिए नौजवान है, तो नौजवान अच्छे से चबा चबा के खाएगा, बुजुर्ग जो है क्या करेगा कि उसको जो है या तो नरम वाला वो देना पड़ेगा या उसको नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से कीड़ों का मुखांग, अब बच्चों का जो रहता है, बच्चों का रहता है कि भैया बचपन में दांत नहीं रहते जब किस तरह से खाता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है जब कैसे खाता है। तो इसी तरह से कीड़ा जो है कैटेगरी अलग है उनकी। जैसे कीड़े में क्या होता है, पहले अंडा, नीम, एडल, फिर उसके बाद तितली, फिर उसके बाद वो उड़ जाती है, फिर नए बच्चे देती है, अंडे देती है। तो कीड़े का जो लाइफ साइकिल है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है पता तो चला कि तितली मारने के लिए फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तितली नुकसान नहीं करती, नुकसान कौन करता है, इल्ली करती है। तितली बन के कब उड़ती है वो, कि जब उसको जो है अंडा देके वो नई पीढ़ी को जन्म देके और वो मर जाती है। तो अंडा, निम्फ, एडल्ट और तितली, उसके बाद फिर अंडा देगी। तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल रहता है। तो कीड़े का लाइफ साइकिल के आधार पे हम लोग जो है कीड़े को बांटते हैं काफी तरीके से। तो एक हो गया मुखांग, एक लाइफ साइकिल। कई लोगों को एक मतलब जैसे जैसे अंडा देने के बाद बच्चा निकलता है, तो इसी तरह से कीड़े में भी ऐसा लाइफ साइकिल बना रहता है कि वो कीड़ा जो है, तितली जो है अंडे देगी, उसके बाद निम्फ, निम्फ मतलब होता है एक वो टाइप का उसके ऊपर लगा रहता है ना, ऐसा टाइप का बिल्कुल ऐसा डला रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से इल्ली निकलती है छोटी सी, फिर वो निकली और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके बड़ी होकर फिर तितली बनती है। तो ज्यादातर नुकसान जो है इल्लियां पहुंचाती है, और कुछ कीड़ों में जो है मतलब जैसे व्हाइट फ्लाई है, वो चूसने का काम करती है। तो व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी जो है फ्लाई ज्यादा नुकसानदायक करती है। अपन पढ़ेंगे कि इन खाने के लिए किस तरह से अपन कीटनाशक का उपयोग करेंगे, या फिर उसकी नर को ढूंढने, अब नर को ढूंढने आई तो वो जैसे ही नर को ढूंढने आई तो वो जो लीव लगा है उसकी सुगंध से तो आई है वो, लेकिन एक ऐसा करके डब्बा लगा रहता है तो साहब उसको ये वाला जो प्लास्टिक का वो लगा है ना वो, तो ये दूसरे नंबर पे, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा डब्बा ल्यूर लगा रहता है, ऐसे लगा देते हैं और वो ल्यूर जो है को सूंघते सूंघते वो आ जाएगी और फिर आने के बाद जो है उसमें गिर जाएगी अंदर जाके, और जो है निकलने की जो जगह रहती है उसमें भी बाहर निकलने की जगह नहीं रहती है, मतलब अंदर जाने के लिए। इसी तरह से जो पहले नंबर पर दिया है, तो पहले नंबर का फ्रूट फ्लाई के लिए, फल मक्खी के लिए, तो फल मक्खी में भी यही रहता है कि उसमें फल मक्खी में भी एक मेथोलॉजिकल ट्रैप रहता है ये। तो इसमें जो है फल मक्खी इकट्ठी होती है, जैसे ही उसको सुगंध आई कि भैया ये इसमें जो है उसकी सुगंध आती है, तो मेरी की सुगंध आती है, तो वो वापस से उसमें गिर जाता है, ठीक है। एक ये दिया है आपको लाइट, ये मतलब सेक्स अट्रैक्ट फेरोमोन है ये पूरे, ठीक है।
मैं इसको छोटा सा बता दूं कि कीड़ों में एक मेल और फीमेल होते हैं, जब तक ये आपस में प्रजनन ना करें तब तक अंडे नहीं देते, और एक बार में अंडे जो देते हैं लगभग 600 से लेके 2000 अंडे दे देते हैं अपने एक लाइफ साइकिल में। तो यदि हमें इसको नियंत्रित करना है तो क्यों ना इसके पहले की हम अवस्था में कंट्रोल कर ले, मतलब अंडे देने के पहले जब ये एडल्ट की अवस्था रहती है तब उस अवस्था में जो फेरोमोन ट्रैप है ऐसा ट्रैप तैयार किया गया है, इसमें गंध के माध्यम से मेल जो है उसमें आकर्षित होते हैं, और मेल जब आकर्षित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे और वो अंडे नहीं दे पाएंगे, तो वो पूरे मेल जो है उस यंत्र में मेल नहीं, वो दोनों प्रकार के रहते हैं उसमें ना, वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं और पूरे समाहित हो जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते। तो एक प्रकार से आपने यदि ये छोटे से यंत्र को आपने खेत में प्रयोग कर लिया तो आप कीट को नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयां हैं, जो हमारी मेहनत है, जो पैसा खर्च होने वाला, उससे आप नियंत्रित कर सकते हो। इसी में है एक लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप मतलब हम अपने घरों में शाम को यदि बल्ब जलाते हैं 60 वाट का, 80 वाट का, 100 वाट का, तो उसमें कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, और ये कीड़े को जो है यदि हम उसके नीचे चाड़ी के माध्यम से या पानी में भर के इंसेक्टिसाइड डाल दें तो वो कीड़े उसमें पूरे गिर जाएंगे। आपने देखा है कुछ लोग जो है तेल कागज में चिपका के बल्ब के पास लटका देते हैं ताकि उसमें पूरे कीड़े चिपक जाए। ये भी हमारे क्या है, एक स्ट्रिप आता है जिसमें जो अपने कुअर में जैसे हमें इसको यूज करना हो तो उसमें हम इस स्ट्रिप को स्टेपलर के माध्यम से फंसा देते हैं, और जब इस पे कीड़े आते हैं आकर्षित होते हैं वो हमें चिपचिपा दिखता है, अलग जैसे ये दिख रहा है ये येलो कलर का, अलग येलो स्ट्रिप और ब्लू स्ट्रिप दो आती हैं उसमें आ जाता है। तो ऐसा लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्ट्रिप ट्रैप, ये जो है स्टिकी होता है ना, तो ये हमारा पूरा क्या करता है उसको आकर्षित करके उनकी एडल्ट अवस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हमारा मुख्य रूप से, इसको आप लोग अपने घरों में भी बना सकते हैं सामान्य रूप से। यदि आप किसान भाई हैं और आप यदि खेती कर रहे हैं अपने खेत में, जो बागवानी में यदि आम लगे हैं और यदि जामुन लगे हैं, यदि आपके यहाँ अमरूद लगा है, तो शाम को यदि आप 1 से 2 घंटा यदि 100 वाट का 200 वाट का बल्ब जलाते हैं तो कीड़े नियंत्रण करने के लिए ये बहुत आपको सहायक सिद्ध होगा। तो ऐसी छोटी छोटी जो प्रक्रिया है जरूर करना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि चिड़िया हमारे लिए जो है किसान का मित्र है, चिड़िया है वो हमारे क्या करते है? खेत में जो है लेकिन सर कई फसलों में जैसे सूरजमुखी, हाँ उसमें सूरजमुखी में तोता जो है इतना भयंकर का नुकसान करता है, तोता बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जो है वहाँ घास सूरजमुखी होती है वहाँ पे एक क्रॉप कवर आता है, क्रॉप कवर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे नर्सरी में लगाया है क्रॉप बेड कवर, तो वैसे कर सकते हैं। तो कई कई पक्षी भी बहुत नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं है मक्का में तोता बहुत नुकसान करता है, या फिर वहाँ पर जो अपना खराब जो ऑयल है जैसे गाड़ी का निकला है उसको पूरा चिपका दें, या फिर उसमें बैग्स लगा दें, मतलब हमें कुल मिलाकर के वहां से उसकी कनेक्टिविटी तोड़ना है ताकि चींटी या दूसरे भी कीड़े हैं वो उससे ऊपर जा ना सके। ठीक है, ये सीताफल के बीज हैं जो दिया है, ये भी हमारे लिए सबसे अच्छा जो है जैविक कीटनाशक का काम करता है, इसको यदि हम वो कहें पीस ले, ये नहीं है सर लार्वा है किसी है ना, तो उसको एकत्रित करके यदि हम उसका स्प्रे करें तो जैविक कीटनाशक का ये काम करता है। ठीक है, ऐसे और भी ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है यहाँ, जैसे कीड़ों को बचा रहे हैं, ये लगे केले, केले का बहुत बड़ा गुच्छा होता है तो उसको पूरा जो है हम लोग क्या करते हैं पूरा कवर कर दिए, और तो ये हो गया। और अभी आप जो देख रहे हैं मार्केट में जो जाम आ रही है, जो दूसरे बड़े फल आ रहे हैं उसके ऊपर कवर रहता है, वो कवर इसीलिए है कि कोई भी कीड़ा आकर के उसमें अंडा ना दे, क्योंकि फल फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी, उसका एक ही काम है यदि कोई फल लगा है तो उसमें वो अपने पीछे से डंक मार के उसके अंदर अंडे दे देती है, और अंडे यदि दे दी तो 10-15 दिनों में वहाँ इल्ली बन जाती है उसके अंदर, और वो फल पूरा खराब हो जाता है। एक फल खराब हुआ ये समझ जाएगी कि 250 ग्राम का फल है तो लगभग उसके 10-20-25 रुपए उसका खत्म हो गया, और यदि वो ऐसे फैलते जाएगी तो पूरा का पूरा बागान असुरक्षित रहेगा, इसलिए ये सब प्रक्रिया की जाती है। तो ये हमारे लिए जैविक के अंतर्गत है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये फायदेमंद। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैकेनिकल मेथड में एक, क्योंकि धान वाले एरिया के बहुत लोग होंगे, तो मैकेनिकल मेथड में ये है कि धान जब बढ़ जाता है अपना, एक रस्सी अपने को चलाना है,
जब बाली नहीं निकली तब, तो रस्सी चलाएंगे तो अपन जो रस्सी चलाएंगे तो उसमें जो मतलब कीड़ा रहेगा वो नीचे जाके पानी में गिर जाएगा, तो उसको ऊपर आते तक बहुत समय लगता है। तो इस तरह से कीड़ा इस तरह से भी कंट्रोल किसान कर सकता है। तम्बाकू की इल्ली सोयाबीन में बहुत पहले लगी थी 2005-06।